ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, ए क्वाड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर गिवन है आप हमें, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एट राइट एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं और सपोज कीजिए इस तरह से, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का। ये ओ ए बी मान लीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, और रेडियस कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये होगा, ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट। और दूसरा पूछा है मेजर सेक्टर, ये पूरा क्या है, ये सब है मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, ये पूरा जो दिख रहा है बाकी का इस ट्राइंगल, या इसको माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट ये हो गया, और सेक्टर की बात करें तो वो पूरा सेक्टर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आर हमारे पास है, थीटा भी हमारे पास है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, पहले माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो इधर तो समझो, माइनर सेगमेंट के लिए ये जो है ना, ये ओ ए बी सेक्टर पूरा फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे तो माइनर सेगमेंट बचेगा, ये माइनर सेगमेंट डॉटेड लाइन, ठीक है। तो हम सॉल्व पहले माइनर सेगमेंट के लिए सॉल्व कर लेते, देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले फाइंड कर लो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरह नहीं लिखो आप, सीधे इस तरह लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी का देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा, 10, हाइट भी 10, बेस हाइट 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये तो एरिया आ गया ट्राइंगल का। अब एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो एरिया है सेक्टर का, तो एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, ठीक है। थीटा की वैल्यू रख दो 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या, हाँ ये यूज़ ये दिया है 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, 10 × 10 दो बार लिख देंगे, यहाँ देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। इसमें देखो 3 पॉइंट हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 लिख सकते हैं, इंटू 10 10 जा भी 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, 29 30 31, 3 बचा 34 हो गया, ठीक है, 4 8 जा 32, 34 है, 2 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 4 5 जा 20, 78.5 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया किसका आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है हमको, एरिया ऑफ माइनर माइनर सेगमेंट, तो क्या हुआ, इस पूरे में से, इस सेक्ट इसमें से किसको घटाएंगे, ट्राइंगल का एरिया घटाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना है, 78.5 माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना आया था, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
तो किस तरह से घटाएंगे, हम घटा लेते हैं, देखिए माइनस कर लेते हैं 78.5 में से 50 को माइनस करेंगे, 5 8 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर तो मेजर सेक्टर के लिए यहाँ से देखो, ये पूरा एंगल मेजर सेक्टर का हो जाएगा, हो जाएगा। तो 4 मेजर सेक्टर अगर हम देखें, यहाँ लिखें 4 मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के लिए अगर हम देखें तो आर तो देखो वही रहेगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका यहाँ पे मेजर सेक्टर के लिए 360 में से 90 घटा दो, ये वाला एंगल घटा देंगे तो कितना बचा, 0 16 में से 9 गया 7 और यहाँ 2, 270 डिग्री थीटा आ जाएगा इसका। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इजकल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा कितना है 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ स्पेस है हम यहाँ लिख लेते हैं, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले थोड़ा, 27 यहाँ पे इसको कर सकते हैं कैंसिल 9 से, 9 थ्री या 27 और 9 फोर या 36, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 3.14 और आर हमारे पास जो दिया है 10 दिया है, 10 इंटू 10, तो यहाँ पे हम अब लिख लेते हैं जो आया 3/4 इंटू 3 हटा दीजिए 314, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा इंटू 10 टेन या 100, 100 से हमने 100 कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब इसका इंटू करके 4 का डिवाइड दे दो, तो इसमें हमने 4 का डिवाइड दिया था तो कितना आया था 78.5 इसमें यहाँ पे, तो यहाँ सीधे सीधे ये देख के लिख लेंगे 78.5 यहाँ से देखिए 4 का डिवाइड दिया था, तो अब इसका इंटू 3 का कर दो इसमें, ये आ जाएगा एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें।